ये वाला टेस्ट अलग है ना. हम्म, ये वाला टेस्ट अलग है. We are very late. हमारा 2 बजे का प्लान था एंड एक्चुअली वो एक इवेंट पे था और मैं अभी आराम से निकली बिकॉज मैं अर्ली मॉर्निंग निकलती हूँ एंड मुझे बिल्कुल दोपहर को निकलने की आदत नहीं है. दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम मैं दोपहर को निकल रही हूँ. सो लेट्स गो समवेयर न्यू एंड आई एम गोना शेयर मैं कहाँ जा रही हूँ. बट दिस इज़ गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिप. आई मीन टू से ट्रिप. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड. अच्छा मैं आपको बताया तो हम जा रहे हैं कर्नाटक. वेब्स ये तुम्हारे व्लॉग में नहीं जाने वाला, भूल जाओ. क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि सिर्फ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे व्लॉग कल से स्टार्ट होंगे क्योंकि तुमने मुझे आज धोखा दिया. सो गाइस हम बना रहे हैं सैंडविच और रात के 2 बज रहे हैं. हम अभी मध्य प्रदेश में कहीं पर हैं और बागबान इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे शिवपुरी में मध्य प्रदेश. हाँ सब हमें भूख लगी एक्चुअली रात को 2 बजे. आपने 2 दिन कभी गाड़ी में काटे हैं मुझे कमेंट करके बताओ. इस लड़की ने मुझे खाना नहीं खिलाया तो चाकू से. बर्गर तुम्हारे बुबू ने खिलाया तुम्हें. बर्गर से पेट भरता है. शट अप. सो सुबह के बज रहे हैं कुछ 7 और अभी भी रास्ता बाकी है 1 दिन का. सो मैं कहीं मध्य प्रदेश में हूँ, मतलब ऑलमोस्ट मैं मध्य प्रदेश क्रॉस करने आई है. सन मेरे लेफ्ट से उग रहा है एंड मैंने कल रमन को जब पिक किया था तो इट वाज लाइक 5, हम शाम के 5 बजे के आसपास निकले थे. उसका तो हमें 2 घंटे तो जाम में मिला था दिल्ली में, मतलब हमारे 2 घंटे वेस्ट किए थे. अभी बाहर बहुत ठंडा मौसम है. फिलहाल 1 दिन का रास्ता. It's actually a non-stop drive. So I'm going to challenge myself like for a non-stop drive. Matlab hum mixed driving kar rahe hain, not only me, but we are doing the mixed driving. So it's a non-stop trip. Very first time I'm doing to do this from Delhi to Karnataka. And I'm going to share the hours, the petrol and the toll tax as well. Rasta khoobsurat hai na. Abhi bahut baaki hai magar. तो फाइनली एंटर करते हुए गाइस झूले पे और हम लोगों को लगी है भूख. दोपहर के बज रहे हैं 4. हे गाइस वेलकम बैक टू रमन व्लॉग. गलती तुम्हारी है, मैंने इसको बोला था एक आईफोन ले 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 ले, तेरा जिंदगी में क्या हो गई. I'm so sorry रमन. मेरा भगवान कभी ना करे ऐसा टाइम. मैं 4 घंटे सो रही थी तब तुम्हारे पास मेरा पूरा फोन था. फिर तुमने फायदा क्यों नहीं उठाया मेरे फोन का. फोन का उठा लेंगे. तो गाइस इस वक्त मैं हूँ धूले सिटी के पास और यहाँ से मुंबई कुछ 330 किलोमीटर है, मतलब यहाँ पे अहमदाबाद लाइक 480 किलोमीटर. हाँ सभी बहुत दूर दूर है. अभी तो बहुत सारी जगह, मतलब यू नो 12 आवर्स होने वाले हैं अराउंड, निकले भी नहीं, 24 घंटे होने वाले हैं. अभी बहुत टाइम है यार पहुँचने में. साउथ इंडिया आके साउथ इंडियन फूड नहीं खाया तो क्या खाया गाइस. सो इट्स गोना बी साउथ ट्रिप तो साउथ इंडियन फूड. और रमन महान भुलक्कड़ है, हमारे गाड़ी में चाबी भूल जाते हैं. गाइस तीसरी बार पेट्रोल डल चुका है और हम अभी, पता है हम अभी धूले से निकल चुके हैं कब के और हम अभी रास्ते में हैं और इस बेचारे को मैं कभी बोलने नहीं देती हूँ. वैसे तुम मुझसे कितना इरिटेट हो चुके हो. बहुत ज्यादा इस ट्रिप में है ना. 2 बार लड़ाई हो चुकी है. अच्छा किस बात पे? सबको नहीं बता सकते. ओके गाइस मैं बताना चाहूंगी हमारा तीसरी बार पेट्रोल डल चुका है. पहली बार हमारा 2500 का डला था, दूसरी बार हमारा 3000 समथिंग का लगा था, तीसरी बार हमारा 2800 का डला है. एंड
इतनी जल्दी पेट्रोल नहीं डलता अगर ये महाशय को गर्मी नहीं लग रही होती तो. व्हाट डू यू मीन गर्मी? गर्मी हो रही थी क्योंकि हम आए हैं वो ठंड के मौसम से, तो गर्मी लगनी थी. सो बेसिकली अभी हमारा इस महाशय को तुझे नहीं लगी गर्मी? नहीं, मैं तो मस्त एसी के बिना बैठ सकती हूँ. और ये तुमने चलाया, नॉट मैंने चलाया हुआ. मैं तो मस्त एसी के बिना रह सकती हूँ फिलहाल. भैया को मत उड़ा देना. So guys, finally, Gokarna पहुंच चुके हैं. मेरे right side है. कौन सी सी अभी वाला कौन सी जगह सी मुझे पता नहीं है. तुम मुझे गूगल मैप पे देख के बताओ जल्दी से कौन सी वो है नदी. Okay, he's just checking. I guess गंगा कुछ नाम है इसका. एंड हेलो नमस्ते. एंड यहाँ पे सबसे ये जगह फेमस है अपने कल्चर के लिए और इतने बीचेस के लिए. गोकर्ण की खूबसूरती गोवा की जैसी है. अगर आप गोवा मतलब यू नो इट्स लिटिल कॉस्टली बट गोकर्ण इज समथिंग पॉकेट फ्रेंडली. अगर आप गोवा अफोर्ड नहीं कर सकते, यस यू कैन एक्चुअली प्लान फॉर दिस प्लेस. पॉपुलेशन यहाँ की बहुत कम है बट हाँ यहाँ थोड़ा हल्का सा ह्यूमिड है इस टाइम पे. और वैसे भी मैं दिल्ली से आ रही हूँ ठंड से, तो मुझे यहाँ का टेम्परेचर वैसे भी ह्यूमिड लगेगा ही लगेगा. प्लस यहाँ पे अभी भी आपको ना काफ़ी लोग ऐसे दिखेंगे जो बहुत मतलब यू नो लाइक अपनी सभ्यता के कपड़े पहनते हैं, अपने कल्चर के कपड़े पहनते हैं. आई विल शेयर एवरीथिंग अबाउट गोकर्ण इन दिस एंड नेक्स्ट कमिंग व्लॉग. सो अभी पहले प्रॉपर्टी पहुँचते हैं, रेस्ट करते हैं कि दो दिन से हम दोनों ड्राइव कर रहे हैं. चले चलो उतार दो. हाँ हाँ गिराएगा वो नीचे. ठीक है मारुति. हाँ मारुति मारुति हिंदी मारुति हिंदी करना था. ये वाला टेस्ट अलग है ना. ये वाला टेस्ट अलग है. फाइनली हम लोग पहुँचे कोकोनट ट्री रिजॉर्ट के साथ, जो यहाँ की सबसे फाइनेस्ट और बहुत प्यारी प्रॉपर्टी है, जो कि मेन बीच के अराउंड 10 मिनट की दूरी पर है अगर पैदल जा रहे हो तो. कैप्टन तुम्हें हिंदी किसने सिखाया? कस्टमर मुंबई का कस्टमर. मुंबई का कस्टमर. अच्छा तुम्हारा फेवरेट कस्टमर कौन सा रहा आज तक कैप्टन? नाम पता नहीं. नाम नहीं पता बट उसने क्या किया था ऐसा? क्या किया था ऐसा? हेल्प करी थी आपकी. सो दिस इज द रूम जिसमें मैं रुकी हूँ. एंड आई जस्ट लव ये सारा यहाँ का लोकल मटेरियल से बना हुआ है. प्लस रूम के अंदर एक अलमीरा है जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो. उसके अलावा हमारे पास एक छोटा सा वॉशरूम है. इस रिजोर्ट में टोटल कितने रूम्स हैं वो भी मैं आपको मेंशन करूंगी, बट बेसिक फैसिलिटीज सब है इस एरिया में. इनका बाहर की तरफ एक अच्छा सा कैफे भी है. खिचड़ी एंड दैट इज मेड ऑफ बेसिकली राइस एंड ये राइस दही के बने होते हैं. And this is salad and I feel so much hungry. आपने ये साउथ इंडिया में आके ट्राई करा तो मुझे बताओ. एंड मुझे सबसे अच्छा ये लगता है. दिस इज़ वेरी हेल्दी. सो गाइस इस प्रॉपर्टी में इन टोटल ये चार और ये चार रूम्स हैं. एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ सामने भी रूम्स हैं. सो बाकी जो सबसे बेस्ट है वो वाले कॉटेज है जिसमें मैं रुकी हूँ. ये वाले इस मेरे वाले कॉटेज से थोड़ा सा छोटे हैं. एंड अभी जो प्रॉपर्टी है वो आपके सबसे पास पड़ती है सनसेट पॉइंट के और गोकर्ण का जो मेन मतलब बीच है उसके सबसे पास पड़ती है. और सबसे अच्छी चीज़ आप यहाँ पे ये डायरेक्ट इन्जॉय कर सकते हो. भाई आपके लिए निकाल देंगे. इसको यहाँ पे क्या बोला जाता है, आई मीन नारियल पानी को यहाँ पे क्या बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में, आके आपको पता है? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करके बताओ कर्नाटका में नारियल पानी को क्या बोला जाता है. अच्छा लास्ट वन नीर है बट आगे का क्या वर्ड है आपको पता है तो बताइए मुझे कमेंट करके. आप सनसेट व्यू के लिए यहाँ से ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस पर पहुँच जाएंगे. सामने से कुछ लोग ऑलरेडी वापस आ रहे हैं सनसेट का व्यू देख के. प्लस गाड़ी तो मैंने आपको बता दिया, आप बिल्कुल अपने यू नो रूम के सामने पार्क कर सकते हो. 3 घंटे नैप लेने के बाद यार इस जगह की वाइब्स ही बदल गई, मतलब हवा बदल गई. ये जगह डेकोर इतना क्लासी लग रहा है. एंड उसके अलावा अभी यहाँ पर थोड़ा मतलब ये इसका इस जगह का सीज़न है बट जो इनके प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने क्राउड अभी कम लिया हुआ है क्योंकि वो अभी थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे थे कुछ और चीज़ों पर.
तो मैं जा रही हूँ फिलहाल डिनर करने. हम लोगों ने लिटरली नाप लिया था एंड मैं डिनर में मेरा मन है आज पिज़्ज़ा खाने का. पिज़्ज़ा क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से नहीं खाया एंड जब मैं सो के उठता हूँ तो मेरी आँखें थोड़ी देर तक नींद नहीं रहती. चढ़ी भी रहती है. कितनी पी थी कल रात को तुमने? मैंने बस एक बोतल वाइन, ज्यादा नहीं. अच्छा, ये कब हो गया? सपने में. Ordered, like we have ordered for the dinner is paneer, egg bhujji, chapati. हम मशरूम खा चुके हैं, तुम बोल सकते हो. हम मशरूम खा चुके हैं या प्याज बचे जो हम खा रहे हैं. तुम्हें मिर्ची नहीं लगी? तुम्हें दही बिल्कुल नहीं लिया? अरे फॉर मी टू मिर्ची. आदत है मिर्ची खाने में. चपाती तवा चपाती फाइनली.